दोस्तों आप इस तरह से कोई भी स्टोरी का सीन क्रिएट कर सकते हैं और आपके लिए यहाँ तीनों कैरेक्टर फ्रेम में मिलने वाले हैं, तो वह आपको कैसे मिलेंगे इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर दोस्तों आपने अभी तक क्रोमाटून्स ऐप से स्टोरी बनाना नहीं सीखा है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में वीडियो आ जाएगा। तो यह तीनों कैरेक्टर आपको मिलने वाले हैं, तो चलिए हम चलते हैं क्रोमाटून्स ऐप में, इन तीनों कैरेक्टर को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं कैरेक्टर वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हमें इंपोर्ट कस्टम को सिलेक्ट कर लेना है और फिर हमें फ्रॉम ड्राइव पर टिक लगा देना है, लोड पर क्लिक करना है, गैलरी पर क्लिक करना है और गैलरी से हमें जो भी कैरेक्टर इंपोर्ट करना हो हम इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कैरेक्टर को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यह तीनों कैरेक्टर की लिंक मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और फिर उस वीडियो पर जाइए और वहाँ पर आपको कैरेक्टर की लिंक मिल जाएंगी और वहाँ से आप कैरेक्टर को डाउनलोड कर सकते हैं और इन कैरेक्टर को आप अलग अलग एनिमेशन भी करवा सकते हैं। ग्रीन बॉक्स पर टिक लगाकर हम इसके फेस की साइड चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम अलग अलग इसको मूवमेंट करा सकते हैं, एनिमेशन करा सकते हैं। इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ पर क्रोमाटोन्स का वाटरमार्क भी नहीं आएगा और अच्छे से रिकॉर्डिंग भी हो जाएंगी और यहाँ पर आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं।